घर में तरह तरह के ग्रोसरी और शॉपिंग बैग्स तो आते ही रहते हैं, तो देखते हैं कैसे इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बड़े वाले जो इस टाइप के प्लास्टिक और क्लॉथ बैग्स होते हैं, इन्हें बुक फोल्ड करके इस तरीके से एक बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखने से इन्हें एक्सेस करना आसान रहता है। ये जो छोटे छोटे ग्रोसरी बैग्स होते हैं, इन्हें फोल्ड करने का ट्रिक मैं पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ। इन्हें इस तरीके से दोनों साइड से पहले फोल्ड कर लें, फिर नीचे से ट्रायंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ आते जाएं और जो लास्ट में जो हिस्सा बच जाता है उसे यहाँ पर ऐसे अंदर डाल दें। अब इन्हें एक बॉक्स या बास्केट के अंदर डालकर रख सकते हैं। पेपर बैग्स को इस तरीके से हाफ फोल्ड करके आप किसी स्लिम से बॉक्स में इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। छोटे छोटे इस तरीके के जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं, इन्हें आप इस टाइप के पॉली बैग ऑर्गेनाइजर में डालकर रख सकते हैं। और जो बड़े वाले शॉपिंग बैग्स होते हैं, इन्हें आप इस तरीके से किचन के दरवाजे के पीछे हैंग करके रख सकते हैं। हो गए ना सारे बैग्स आराम से ऑर्गेनाइज।